Assalam viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back to another video of Lahore Smart City Walking Tale episode 25. Last जो मैंने episode बनाई थी वो इस street की थी, जो वन काल के विलास बन रहे हैं ये उससे next street है. मैंने series में start किया, try किया है कि मैं हर एक street पर पैदल walk करके development जो on ground हो चुकी है वो दिखाऊं, ताकि जिन members investment कर ली है या जो future में करना चाहते हैं उनको 100% clarity मिल सके कि on ground status क्या है development का. अब इस street पर जो विलास हैं total number बन रहा वो 15 है और ये प्लॉट नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं, प्लॉट नंबर 15 तक जाते हैं, टोटल 11 विलास हैं और ये इन विलास का स्ट्रक्चर है. ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो तकरीबन ग्राउंड फ्लोर का जो जितना काम है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और कुछ विलास पे आगे फर्स्ट फ्लोर पर भी काम हो रहा है. ओवरऑल पूरी स्ट्रीट के डेवलपमेंट की बात करें तो जितनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आती है डेवलपमेंट की बात है स्ट्रीट का प्रॉपर लेआउट प्लान बनना और स्ट्रीट की प्रॉपरली फुटपाथ सारा कुछ कम्प्लीट होना. सेकेंड इज़ के स्ट्रीट लाइट्स का लगना. थर्ड इज़ के अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज ऑप्टिकल फाइबर उन चीज़ों की कंप्लीशन जो आप साइड पे देख सकते हैं कंप्लीट है. और फोर्थ इज हॉर्टिकल्चर काम. इस स्ट्रीट पे बाकी स्ट्रीट की नस्बत हॉर्टिकल्चर काम भी ज़्यादा है, विलास की स्पीड भी ज़्यादा है और बाकी तमाम चीज़ें कंपैरिजन टू वन क्लास स्ट्रीट इन रेस्ट ऑफ द स्ट्रीट इन ब्लॉक ए उसके कंपेरिजन में देखिए तो स्ट्रीट की डेवलपमेंट जो है वो बाकियों से बेहतर है और तेज़ है. अब आगे चलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपसे देखें तो जो यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं फिर डेवलप हो रही हैं इनमें से किसी भी चीज़ को किसी प्रोडक्ट को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, यानी विलास को लॉन्च नहीं किया गया सोसाइटी की तरफ से. जब सोसाइटी ने ऑफिशियली लॉन्च करेगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इनकी डिमांड उस वक्त जितनी डिमांड अभी है क्योंकि सोसाइटी का प्लान है ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट करके फिर इंस्टॉलमेंट पर देना, यानी कि जो मेम्बर जिन्होंने पहले रेजिडेंशियल प्लॉट लिए यानी कोई 10% 20% जो बुकिंग की और इस वक्त जो प्लॉट तकरीबन 1600-1700 प्लॉट है साइट पर 5 मरला का 1100-1100 प्लॉट है, जो 10 मरला और कनाल है इसके जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 600 नंबर में बनते हैं जो डेवलप हो गए हैं यानी पोजेशनेबल है सोसाइटी की तरफ से. आप उस पर कब्जा अप्लाई करके आप फौरन घर बना सकते हैं तो ये स्टेज है. इस तरह सोसाइटी का प्लान है कि विलास की लिए भी ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाए कि पहले इनको कंस्ट्रक्ट किया जाए इन ग्रे स्ट्रक्चर को और फिर उसके बाद इन ग्रे स्ट्रक्चर को सेलिंग के लिए प्रेजेंट किया जाए ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. तो दो स्टाइल में बन रहे हैं जॉर्जियन स्टाइल एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल. और इस स्ट्रीट की खास बात यह कि इसके अपोजिट साइड स्ट्रीट जो है ये वाली स्ट्रीट यहाँ पे सिर्फ 10 मरला के विलास हैं और ये एक कनाल के विलास हैं और बैक साइड पे यहाँ पे भी एक कनाल के विलास हैं. तो सोसाइटी वाला जो बेनिफिट दे रही है वो दे रही है कनाल 10 मरला के मेंबर्स को, उनके पार्क फेस विलास भी हैं, मस्जिद भी बिल्कुल पास है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है. अब मस्जिद का जो कवर्ड एरिया है दैट इज अराउंड 3000 स्क्वायर फीट लेकिन जो प्लॉट का एरिया बनता है वो अराउंड 2.5 कनाल है, बीच में से बाकी एरिया वो लॉन और पार्किंग के लिए रिजर्व होगा. लेकिन वैसे ब्लॉक की जो अपनी मॉस्क है उसकी डेवलपमेंट आपको सामने स्ट्रीट पे नजर भी आ रही है. तो ये इस वक्त जो है वन कनाल के विलास का स्ट्रीट पे स्ट्रक्चर है. ये विला नंबर 10 है, फिर आगे विला 5 विला आगे जा रहे हैं. ये विला नंबर 10 है, ये स्ट्रीट प्लॉट विला नंबर 4 से स्टार्ट होती है, टोटल 11 विलास है स्ट्रीट पे और 15 तक जाती है और उस वाली स्ट्रीट पर 29 विलास है. सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम डे. अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए. खुदा हाफिज़.